हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डेंगू के मरीज को क्या खाने के लिए देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, क्योंकि अक्सर जब किसी को डेंगू हो जाता है तो उसके घर वाले आके पूछते हैं कि इनको कौन सी ऐसी डाइट खिलाएं जिससे ये जल्दी रिकवर हो जाए और इनके अंदर जो कमजोरी है वो दूर हो जाए। तो इस वीडियो में आज हम ये बात बताएंगे कि कौन सी चीज़ों का खाने में ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, डेंगू के मरीज की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि उसको कुछ भी खाने को मन नहीं करता है, उसको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है और उसके छाती के ऊपर यहाँ पर पेट में कुछ ऐसे भारीपन सा रहता है कि उसको जो कुछ भी वो खाता है या तो उसको उल्टी हो जाती है या उसको उल्टी होने का मन होता है, और इसी के डर से वह कुछ खाता नहीं है कि कुछ उल्टी ना हो जाए, और इसके कारण उसकी सेहत और डाउन हो जाती है, उसका बीपी डाउन हो जाता है और उसको वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो आज आपको मैं कुछ एक जरूरी बातें बताऊंगा जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डेंगू का मरीज जल्दी ठीक हो जाएगा। सबसे पहली जो बात ध्यान में रखनी है कि डेंगू के मरीज को बुखार बहुत तेज होता है और तेज बुखार होने के कारण उसके शरीर के अंदर पानी की कमी आनी शुरू हो जाती है, यानी डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है। दूसरा, वो उल्टी के डर के कारण ना तो वो पानी पीता है और ना कुछ और चीज खाता है, जिसके कारण उसको डबल पानी की कमी आ जाती है। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि उसको हमेशा लिक्विड डाइट ही देनी है और उसी को ही प्रेफर करना है। किसी के अंदर डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी आई है, उसका सबसे बेहतरीन तरीका जानने का यही है कि मरीज अपने यूरिन का रंग देखता रहे। अगर उसको लगे कि उसके यूरिन का रंग डार्क येलो हो रहा है तो इसका मतलब है उसके अंदर पानी की कमी आ रही है, और अगर वह सफेद है या कलरलेस है तो इसका मतलब उसके अंदर पानी की सही मात्रा मौजूद है। तो अपने यूरिन को चेक करते रहें, अगर वह कंसंट्रेटेड यानी गाढ़ा पीला रंग का हो रहा है तो आपको अपने पानी की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। अब दूसरी परेशानी डेंगू के मरीज को ये होती है कि उसको पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, जैसे ही वो पानी पीता है उसको उल्टी हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए आप उसको फलों का जूस, नींबू पानी, नारियल का पानी या और कोई भी लिक्विड चीज जैसे वेजिटेबल सूप या और कोई सूप आप दे सकते हैं जिससे उसके अंदर लिक्विड एंटर करे और उसके अंदर पानी की कमी दूर हो, और ORS का घोल भी आपको दे सकते हैं और पानी के अंदर किसी और भी चीज को आप मिला के जिससे उसका टेस्ट चेंज हो जाए वो दे सकते हैं ताकि उसके पानी की कमी दूर हो जाए। इसके अलावा हम उसको छाछ, लस्सी, दूध इनको भी दे सकते हैं। अगर उसको थोड़ा ठंड लग रही है तो चाय और कॉफी भी दे सकते हैं। इस प्रकार से उसके अंदर हम डिहाइड्रेशन को दूर कर सकते हैं, और इसके अलावा हम उसको सेमी सॉलिड चीज जैसे कि दलिया, पतली पतले मूंग के दाल की खिचड़ी और अन्य चीज भी दे सकते हैं। कुछ भी चीज देने से पहले हमें ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि डेंगू के मरीज को हमें इजिली डाइजेस्टेबल यानी सुपाच्य भोजन देना चाहिए जो आसानी से पच सके। उसमें खिचड़ी मूंग के दाल की सबसे बेहतरीन इसकी च्वाइस है, क्योंकि इसके अंदर मूंग की दाल होने के कारण प्रोटीन की सोर्स भी है जो कि हमारे शरीर के अंदर बुखार से होने वाली वियर टियर यानी जो नुकसान है उसको ठीक करता है। दूसरा, वो इजिली डाइजेस्टेबल होता है। इसके अलावा हम दाल चावल भी दे सकते हैं, और याद रखें कोई भी ऐसी चीज जो पचने में भारी होती है जिनको पचाने में टाइम लगता है जैसे कि उड़द की दाल, नॉन वेज, ऐसी चीजें नहीं देनी है क्योंकि इनको पचाने में टाइम ज्यादा लगता है और पेशेंट के डाइजेशन पहले ही पुअर होती है जिससे भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा और उसका पेट और भरा भरा सा महसूस होगा। इसके अलावा उसके मुंह का टेस्ट ठीक करने के लिए हम उसको काले चने इसकी तरी भी पीने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक आयरन भरपूर मात्रा में होता है, दूसरा उसमें हल्का सा मसाला होने के कारण मुंह का टेस्ट भी ठीक रहता है और साथ में ये सुपाच्य भी होता है। इसके अलावा उसकी डाइट में सीजनल फ्रूट को जरूर ऐड करें, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर मिनरल्स और विटामिन होने के कारण शरीर के अंदर आई हुई कमजोरी जल्दी दूर होती है। अगर वो फ्रूट नहीं खा सकता है तो फ्रूट जूस दे सकते हैं, लेकिन याद रखना आपने हमेशा उसको फ्रेश जूस ही देना है, डिब्बा बंद जूस नहीं देना है। और इसके अलावा कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो नहीं देना है, इससे उसके पेट के अंदर अफारा होने का चांसेस रहेंगे और कंडीशन बिगड़ सकती है। और जैसे जैसे पेशेंट की हालत में सुधार होता जाएगा, उसके प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, उसका बुखार कम होना शुरू हो जाएगा, उसकी हेल्थ अपने आप ही रिस्टोर होना शुरू हो जाएगी।
तब आप उसको आप पतला पतली रोटी दे सकते हैं, जिसके साथ में उसको आप दाल या और कोई भी इजिली डाइजेस्टेबल आप उसको चीज दे सकते हैं। हरी ग्रीन वेजिटेबल जरूर दें, इससे उसके अंदर जो आयरन या अन्य मिनरल्स हैं उसकी कमी भी जल्दी दूर होगी। लास्ट में मैं यह कंक्लूड करता हूं कि आपको उसको लिक्विड और सेमी लिक्विड डाइट देनी है, और साथ में ऐसी डाइट देनी है जो जल्दी पच सके। किसी भी प्रकार की पचने में भारी चीज जैसे कि मीट, मुर्गा, मछली, इनको नहीं देना है। उड़द की दाल भी आप ना दें, क्योंकि इसको पचाने में भी काफी डाइजेशन लगती है। और उसको ज्यादा से ज्यादा नारियल पानी, नींबू पानी, दही, छाछ, लस्सी और लिक्विड कोई भी चीज आप दे सकते हैं। इसके अलावा उसके मुंह के टेस्ट को ठीक करने के लिए आप मौसमी के ऊपर थोड़ा नमक लगा के उसको चूसने के लिए दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अगर इन बातों का ख्याल रखें तो आपका जो डेंगू का मरीज है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा और उसकी हेल्थ भी जल्दी ही रिस्टोर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।